हम डी खान आए हुए हैं और आज हमारे मेडिकल कैंप का दूसरा दिन था जो सैलाब से अफेक्टेड लोग हैं टांग और डी खान में उसके लिए हमने ये आ, आ, मेडिकल कैंप अरेंज किया था और फेसबुक पे इंटरनेट पे हम आए दिन नेगेटिव चीज़ें ही इस सैलाब के बारे में देखते हैं हम ये देखते हैं कि किसी का घर गिर गया है किसी का इतना जानी और माली नुकसान हुआ है लेकिन मैं आज डिस्कस करूंगा ये सैलाब के जो पॉज़िटिव एस्पेक्ट है पॉजिटिव एस्पेक्ट हमारे लोगों का जो जज्बा है जो हमारे लोगों की खिदमत है मैं उस बारे में बात करूंगा आ, मैंने प्रैक्टिकली ये यहाँ पे मैंने देख लिया है कि कैसे आ, सब लोग मिल एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं चाहे वो प्रोफेशनल्स हैं अगर डॉक्टर्स हैं वो भी हेल्प कर रहे हैं मेडिकल कैंप्स लगाने के लिए आगे सबसे आगे हैं वो आ, जिनके पास पैसे हैं ज़क़़त और एहतियात वो दे रहे हैं पैसों के ज़रिए से हेल्प कर रहे हैं आ, ऐसे भी लोग हैं जिनकी अगर पैसे देने की उनकी औकात या वो पैसे ना दे पाएँ तो वो अपने हाथों के ज़रिए से मतलब आ, वो हेल्प कर रहे हैं वो लोगों के घर के कंस्ट्रक्शंस में ख़ुद हेल्प कर रहे हैं आ, मैंने ऐसे ग़रीब लोगों को भी देखा है जो घर से खाना बना बना के जो सैलाब से अफेक्टेड एफ, लोग हैं उनको दे रहे हैं इसी तरह जो मीडिया वाले लोग हैं वो भी ऐसे कवरेज जगह जगह ख़ुद को ख़तरे में डाल के ऐसी जगह जगह कवरेज देते हैं जहाँ पर कवरेज की ज़रूरत है जो बाकी प्रोफेशन के लोग हैं सब एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं राशन आ रहा है हर जगह से हुकूमत भी राशन दे रही है लेकिन लोगों की तरफ से जो राशन मिल रहा है पिशावर से चारसद्दा से पंजाब के इलाकों से यहाँ पे जो राशन मिल रहा है यहाँ तक आ रहे हैं टेंट्स पहुँच रहे हैं खाने की चीज़ें पहुँच रही हैं दवाइयाँ पहुँच रही हैं और सब चीज़ें वाफिर मकदार में लोगों को मिल रही हैं ये सब हालत जब मैंने देखी है मुझे बहुत खुशी हुई है हमारी पाकिस्तानी जो कौम है उसमें बहुत गलतियाँ होंगी बहुत बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जिन पे हम पे ऑब्जेक्शन की जाती है लेकिन चैरिटी के लिहाज से अगर देखी जाए जब भी ऐसा कोई मौका आता है चाहे वो सैलाब का मौका हो चाहे वो जलजला हो तो एक दूसरे की हेल्प करने में हम सबसे आगे होते हैं और सबसे आ, मतलब हमारी चैरिटी का ये जो सिस्टम है ये बहुत अच्छा है